बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंशूर अहमद। आज आपके इस कोर्स का लेक्चर है 16। हसबे मामूल हम देखेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन से टॉपिक्स कवर किए। तो समरी है जी प्रीवियस लेक्चर की। पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी किया। उसमें हमने देखा कि एप्लीकेशंस किन फील्ड्स में इसकी हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की। मेनली हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया और उसके लिए एक हमने जो फिजिकल सिस्टम कंसीडर किया था वो था मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब उसकी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें हुक्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जरूरत थी। लिहाजा हमने पहले हुक्स लॉ पढ़ा वो क्या होता है, और इसी तरह फिर न्यूटन सेकंड लॉ को रिवाइज किया, फिर हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम कंसीडर किया और उसकी मदद से उस पर जो ऑप्शन जो सपोजिशंस थी उनमें वो हमने कंसीडर की। उनमें बड़ी सपोजिशन ये थी कि हमारे हम जो जो सिस्टम है उस पर कोई किसी किस्म की फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ओके, इसके बाद हमने फिर क्या किया कि इसकी इक्वेशन ड्राइव की और वो हमने देखा कि सिम जो है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हमारे सामने आई और इस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को हमने कहा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। बेसिकली जब स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है तो वो ऊपर नीचे यूं जो है उसकी जो मूवमेंट होती है अबाउट अ मीन पोजीशन आर सम फिक्स पॉइंट, तो उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर हमने उस इक्वेशन का सोल्यूशन देखा क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन देखा और फिर उसकी अल्टरनेट फॉर्म देखी कि उस सॉल्यूशन को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, और उसका एडवांटेज भी हमने डिस्कस किया कि अल्टरनेट फॉर्म में हमारे पास सीधे क्लियरली हमें एम्पलीट्यूड का पता चल जाता है, इसी तरह क्लियरली हम उसमें से फेज एंगल निकाल सकते हैं, तो उसके अपने एडवांटेजेस भी हमने बताए। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की रिगार्डिंग दी फ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन कहना चाहिए। और इसमें फिर मैं एक दफा बात करना चाहूंगा कि हमने पिछले लेक्चर में ये अजम्पशन थी कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो देखते हैं जी कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पिछले लेक्चर में हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी उसमें बड़ी सपोजिशन ये थी कि इस सिस्टम किस सिस्टम पे जो हमने स्प्रिंग और मैस का सिस्टम कंसीडर किया था जिसमें एक स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है ऑफ मैस एम जिस जो ऊपर नीचे को मूव कर रहा है, और हम कह रहे हैं जी कि उसके ऊपर हमने अजम्पशन ये ली थी कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब याद रखिए कि जब भी हम कोई मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल किसी फिजिकल सिस्टम का, तो इस तरह की अजम्पशंस हम लेते हैं। समटाइम्स ये इसलिए भी होती हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं और पहले वो सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम उसमें जो फर्दर अजम्पशंस जो हैं वो लगा के उसको मोर रियलिस्टिक बनाते हैं और उस पर फर्दर जो लगा के अजम्पशंस उसको मजीद कम्प्लेक्स बनाते हैं, या उसके अंदर जो रियली मजीद चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं या उस पर जो फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं वो हम फिर बारी बारी या आहिस्ता आहिस्ता उसका कम्प्लेक्स लेवल बढ़ाते हैं। तो पिछली अजम्पशन में हमने क्या किया कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, अजम्पशन ये थी, लेकिन फिजिकली ये अनरियलिस्टिक है कि कोई फोर्स नहीं। देखिए ना कोई फोर्सेस तो एक्ट कर रही होती हैं, जैसे एक वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी जो वेट है उसका, वो
वो हमने अज्यूम कर लिया था, इसी तरह अब उस सराउंडिंग्स की भी वजह से उस सिस्टम पे कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है कि अगर वो जिस मीडियम में वो चल रहा है उसकी फ्रिक्शन हो सकती है जब वो मूव कर रहा है, तो ऐसी फोर्स को एक्चुअली डैम्प्ड मोशन कहते हैं, या ऐसी सराउंडिंग्स में जहां कोई एक्सटर्नल फोर्सेस या सराउंडिंग की फोर्सेस की वजह से जो उसके ऊपर कोई फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इस माहौल में या ऐसी जगह जब कोई मूवमेंट हो रही होती है, मोशन हो रही है किसी बॉडी की, तो उसको कहते हैं ये डैम्प्ड मोशन है। तो हम जरा देखते हैं कि इन द प्रीवियस लेक्चर इट वॉज अज्यूम दैट नो रिटार्डिंग फोर्सेज एक्टिंग ऑन द मूविंग मैस, दैट इज द फ्री हार्मोनिक मोशन, कि वो फ्री हार्मोनिक मोशन थी, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी। हाउएवर नो रिटार्डिंग फोर्सेज एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी इज अनरियलिस्टिक, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एट लीस्ट अ रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू द सराउंडिंग मीडियम, कि उसके इर्द गिर्द जो मीडियम है उसकी उस पर उसकी रेजिस्टेंस जरूर होगी, यानी कम से कम ये फोर्स जरूर एक्ट करती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे। जैसे हमारा जो सिस्टम था वो क्या था, स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है, वो मूव कर रहा है, तो उस मैस के ऊपर कम से कम सराउंडिंग से एक रेजिस्टिंग फोर्स जरूर एक्ट करेगी। इसी रेजिस्टिंग फोर्स को हम आगे चल के डिफाइन करें, यानी इसको कहते हैं डैम्प्ड मोशन। ये जो इस मीडियम, जब मीडियम किसी बॉडी पे वो एक्ट कर रहा है या फोर्स जो है रिटार्डिंग फोर्स एक्ट कर रही है, तो इस तरह की मोशन को कहते हैं डैम्प्ड मोशन। फॉर एग्जांपल अ मैस कैन बी सस्पेंडेड इन अ विस्कस मीडियम, हेंस द डैम्पिंग फोर्स नीड टू बी इंक्लूड इन अ रियलिस्टिक एनालिसिस। तो हम ऐसी फोर्स को कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। इसको इसका मतलब है कि उस मॉडल को जो हमने प्रीवियसली स्टडी किया था उसको मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए हम उसमें क्या कर रहे हैं, अब एक डैम्पिंग फोर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो देखते हैं जी कि ये डैम्पिंग फोर्स किस तरह की होती है। डैम्पिंग फोर्स क्या है? इन द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स द डैम्पिंग फोर्सेज एक्टिंग on a body are considered to be the proportional to be proportional to a power of the instantaneous velocity. In particular, it is assumed that this damping force is constant multiple of dx by dt. कि mechanics के जब भी problem करते हैं तो उसमें damping force जो होती है वो proportional होती है हमेशा power of the instantaneous velocity के। तो यहां हम कह रहे हैं, इन पर्टिकुलर जो हमारा केस है इसमें हम कह रहे हैं जी कि इट इज अज्यूम दैट दिस डैम्पिंग फोर्स इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द वेलोसिटी dx by dt, सो दैट इन आवर प्रॉब्लम्स डैम्पिंग फोर्स इज दिस माइनस बीटा dx by dt, वेयर बीटा इज अ पॉजिटिव डैम्पिंग कांस्टेंट एंड द नेगेटिव साइन हियर इज ड्यू टू the reason that the damping force act in a direction opposite to the direction of the motion. तो यहां बीटा क्या है, कांस्टेंट है, इसे डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और ये जो नेगेटिव साइन है हमेशा याद रखना है कि ये नेगेटिव साइन जो होता है किस लिए होता है, कि ये मोशन के अपोजिट चलने वाली कोई फोर्स है, जिस तरफ मोशन है। फॉर एग्जांपल अगर जो मास है नीचे आ रहा है स्प्रिंग के साथ जो लटक रहा है, तो जो ये डैम्पिंग फोर्स है ये ऊपर को इसकी डायरेक्शन है कि अपोजिट है उसकी डायरेक्शन के। तो डैम्पिंग को मैं दोबारा से जरा एक मिसाल के जरिए समझा दूं आपको। एक लफ्ज हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा, विस्कस मीडियम। जैसे विस्कासिटी एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं फ्लूड फ्लो की बात करूं ना कि कोई फ्लूड है वो फ्लो कर रहा है, तो उस फ्लो में जो कोई चीज रुकावट डाल रही हो उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। अब जैसे यहां हम देखते हैं कि अगर हम पानी लें, एक बोतल है उसके अंदर पानी है, तो
तो अगर पानी को ऐसे उंडेलें बॉटल को, तो पानी फौरन बाहर आ जाएगा। और यही अगर जो है हमारे पास शहद हो बॉटल में, और उसको यूं हम उंडेलने की कोशिश करें, तो क्या होगा? इट विल टेक टाइम, वो बाहर आते हुए टाइम लेगा। इसका मतलब ये हुआ, हम कहेंगे कि जो शहद होता है वो मोर विस्कस होता है देन वाटर। इसका मतलब है उसमें जो रेजिस्टेंस फोर्स है फ्लो के अंदर, शहद में ज्यादा है और वाटर में कम है। तो बिल्कुल ऐसे ही अब जब वो बॉडी नीचे को आ रही है, कौन सी, जो स्प्रिंग के साथ अटैच है, तो एयर से एक रेजिस्टेंस उसे मिल रही होगी जो कि उसके अपोजिट है। यही विस्कस मीडियम भी होगा, जो विस्कासिटी की बात की वो यही है। तो ओके जनाब, हमारे पास फिर फाइनल जो बात आई सामने वो ये आई कि जो डैम्पिंग फोर्स है वो ये है माइनस बीटा डी एक्स बाय डी टी। अब हम देखते हैं, हम दोबारा इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, किस तरह से इस फोर्स को भी उसमें शामिल करके। तो इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा आ रही है जी। हमने पिछली दफा जब बात की थी तो कुछ वही टर्म में है, अब फर्दर एक टर्म ऐड होने जा रही है। तो कहते हैं जी कि ए मैस इज अटैच टू ए फ्लेक्सिबल स्प्रिंग। ये पिछली दफा भी यही अजम्पशन थी, वही स्लाइड है तकरीबन, इसमें सिवाय एक बात के मैं इजाफा करने जा रहा हूं। द स्प्रिंग स्ट्रेचेस टू एन अमाउंट एस टू अटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि जब हमने मैस उसके साथ अटैच किया तो वो कुछ ना कुछ नीचे आएगा, उसमें जो स्ट्रेच की अमाउंट है उसको हमने एस कहा है। फिर हम कहते हैं जी द मैस इज फर्दर डिस्प्लेस्ड बाई एन अमाउंट एक्स एंड देन रिलीज्ड, कि हम उसको मजीद पकड़ के मैस को खींचते हैं और हम कहते हैं जी अब उसमें जो स्ट्रेच या डिस्प्लेसमेंट आया है वो एक्स है उसकी अमाउंट, या वो एक्स है। हम कह रहे हैं जी नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अभी हम एक और बाद में करने जाएंगे कि फोर्स्ड मोशन, इसके बाद के जो हमारा टॉपिक होगा ना फोर्स्ड मोशन, तो अभी हम कह रहे हैं कि और कोई एक्सटर्नल फोर्स उस तरह से एक्ट नहीं कर रही, बल्कि ये चंद फोर्सेस अब इस पे एक्ट कर रही हैं। कौन सी जी? हाउएवर देयर आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मैस, नेमली वन इज वेट ऑफ द मैस बॉडी, सेकेंड इज रिस्टोरिंग फोर्स। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, कि अगर वो बॉडी नीचे को जाना चाह रही है तो कोई ऐसी फोर्स है जो उसको ऊपर ले जाना चाह रही होती है, तो उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और वो होती है माइनस के इनटू एस प्लस एक्स। तो हमने यहां उसमें भी बताया था कि माइनस जो है इस वजह से क्योंकि उसकी मोशन ऑफ द बॉडी से अपोजिट है। अब तीसरी फोर्स क्या आ रही है जी? डैम्पिंग फोर्स, वो भी हमने डिफाइन की, तो वो है माइनस बीटा डी एक्स बाई डी टी। हेंस द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, सारी फोर्सेस को सम अप कर दीजिए तो ये टोटल फोर्स होगी विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, विच इज वेट, रिस्टोरिंग फोर्स एंड द डैम्पिंग फोर्स। तो हम जानते हैं कि जब ये टोटल फोर्स है, न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम यूज करें तो हमारे पास आप जानते हैं एम इंटू ए इज इक्वल टू, दिस इज द टोटल फोर्स राइट साइड पे फोर्स और लेफ्ट साइड पे एम इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर है हमारे पास, विच इज एक्चुअली एम इंटू ए। ओके, ये भी हम जाते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की मदद से कि एम जी माइनस के एक्स जीरो होता है, लिहाजा ये अगर मैं यहां यूज करूं तो मेरे पास फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन आई है ये किसकी है जी? ये इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसमें डैम्पिंग फोर्स भी इंक्लूड है। और अब आप गौर कीजिए, इसमें ये इजाफी टर्म जो है ना, इसमें डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, तो हमारे पास ये नई इक्वेशन बन गई। डिवाइडिंग बाय एम द फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बिकम्स डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू लैम्डा डी एक्स बाई डी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमने यहां जब ये देखिए m से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम बीटा बाई m, इसको हमने 2 लैम्डा कह दिया और
पिछली जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी उसमें ओमेगा स्क्वायर के बाई एम ही के इक्वल था। तो ये फॉर कन्वीनियंस हमने 2 लैम्डा ले लिया कि इससे हमें जरा आसानी होगी जब हम जो है एक्सिलरी इक्वेशन को जो है उसके रूट्स निकाल रहे होंगे, इसलिए 2 लैम्डा इसको ले लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन आ चुकी जी, ये होगी इक्वेशन ऑफ मोशन विद डैम्पिंग फोर्स। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले भी हमने इक्वेशन सॉल्व की, उसमें तो सिर्फ ये दो टर्में थी, एक ये टर्म थी और एक ये टर्म थी। अब की दफा इक्वेशन में ये इजाफी टर्म आई है विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर जी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डैम्पिंग फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके जी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? मैं डायरेक्ट यहां से लिख रहा हूं, एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो हमें यहां से ये दो रूट्स मिल जाते हैं, एम वन इज इक्वल टू माइनस लैमडा प्लस लैमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एम टू इज इक्वल टू माइनस लैमडा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए इन रूट्स की नेचर जो है ना इस चीज पे डिपेंड कर रही है। बेसिकली ये आपकी डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये बेसिकली क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। तो अब आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं रूट्स, वो क्या होती है जी, वो कैसे डिपेंड करते हैं? आप जानते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल होते हैं। अगर ये लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो तो रूट्स इक्वल हो जाते हैं, और अगर ये लेस देन जीरो हो, यानी ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है विच इज एक्चुअली द डिस्क्रिमिनेंट, इफ इट इज लेस देन जीरो देन क्या होता है जी, रूट्स कंप्लेक्स होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द क्वांटिटी लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा वी कैन नाउ डिस्टिंग्विश थ्री पॉसिबल केसेस ऑफ द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो केसेस हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। केस वन क्या है जी? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये कब होंगे? जब हमारे पास ये कंडीशन होगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो ग्रेटर देन जीरो एंड बीटा इज ग्रेटर देन के। ये क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट है। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट अगर बड़ा है स्प्रिंग कांस्टेंट से, इसका मतलब है जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो बड़ी है, देन द सिस्टम इज सेड टू बी ओवर डैम्प्ड, यानी उस पर वो डोमिनेट कर रही, ओवर डैम्प्ड है। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फ्री डैम्प्ड मोशन इज, इस सूरत में चूंकि रियल रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे तो हम जानते हैं हमारी जो इक्वेशन है, कौन सी वाली इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी हमने डिस्कस की, ये कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं। ये क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं। चूंकि हमने आप जानते हैं कि हमने वो इक्वेशन भी किया ना वेरिएबल कोफिशियंट्स वाली, तो यहां कोफिशियंट कांस्टेंट हैं, उसका सोल्यूशन अलग होता है। और अगर ये काशी आयलर इक्वेशन हो, यानी वेरिएबल कोफिशियंट्स हो, तो उसका सोल्यूशन अलग तरह से लिखा जाता है। तो ये कांस्टेंट कोफिशियंट्स हैं, तो इसको पहले हम जानते हैं इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, ई की पावर फॉर्म में होता है। तो लिहाजा यहां सोल्यूशन होगा एक्स ऑफ टी सी वन ई रेज टू पावर एम वन टी प्लस सी टू ई रेज टू पावर एम टू टी। एक्स ऑफ टी इसको यूं भी लिख सकते हैं, चूंकि हमने एम वन और एम टू की यहां वैल्यूज रखनी है, उसमें ये पार्ट कॉमन है दोनों में, ये बाहर लिख लिया और बाकी सोल्यूशन को इस फॉर्म में लिख लिया। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट स्मूथ एंड नॉन ऑसिलेटरी मोशन। ये इन टर्म्स की वजह से ना, चूंकि ये सारे तीनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, इनकी वजह से नॉन ऑसिलेटरी है सोल्यूशन। ऑसिलेटरी सोल्यूशन क्या होता है अभी हम देखेंगे। अभी ऐसे सोल्यूशन जिसमें जो है जो, या एक तो साइन कॉज फंक्शन हो, वैसे वो पीरियडिक सोल्यूशन भी कहते हैं उसको, तो उसमें ऊपर नीचे सोल्यूशन हो रहा है, तो यहां स्मूथ है सोल्यूशन जी। ओके, नेक्स्ट हमारा केस है जी रियल एंड इक्वल रूट्स। वो कब होंगे कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म थी लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये अगर जीरो हो एंड बी इज इक्वल टू के हो, यानी डैम्पिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल हो, एंड द सिस्टम इज सेट टू बी
क्रिटिकली डैम्प्ड, इस सूरत में क्या कहेंगे कि सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड है, बिकॉज एनी स्लाइट डिक्रीज इन द डैम्पिंग फोर्स वुड रिजल्ट इन ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि अगर जरा सी भी कह रहे हैं कि जरा सी भी जो डैम्पिंग फोर्स है उसमें वो डिक्रीज करेगी तो उस सूरत में क्या होगा, ऑसिलेटरी सोल्यूशन आना शुरू हो जाएंगे. द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फ्री डैम्प्ड मोशन इज, इस सूरत में ये होगा ना जनरल सोल्यूशन, चूंकि हमारे पास एम वन एम टू इक्वल है, सी वन ई रेस्ट एम वन टी सी टू, और आपको याद होगा कि हम जब रिपीटेड रूट्स के लिए सोल्यूशन लिखते हैं तो वो सात इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, सी टू टी ई रेस्ट बाय एम वन टी, तो इसे यूं लिख सकते हैं जी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस्ट बाय माइनस लैम्डा टी सी वन टू टी. तो यहां से चूंकि ये कॉमन आ जाएगा ना, अब एम वन एम टू की वैल्यू क्या है, जस्ट लैम्डा एम वन इज इक्वल टू एम टू, असल में इस वक्त ये लैम्डा होगा चूंकि वो हमारे रूट ये था ना एम वन वाज इक्वल टू, बल्कि ये माइनस लैम्डा है, ठीक है, तो माइनस लैम्डा प्लस माइनस रूट क्या था, लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, एम और एम टू ये रूट थे ना. तो इसमें अब चूंकि इस दफा हम ये कह रहे हैं जी कि जब ये जीरो होगा तो इस सूरत में सिर्फ लैम्डा माइनस लैम्डा इज द रूट, तो इसलिए ये सोल्यूशन है हमारे पास. क्लियर है जी, देखते हैं जी नेक्स्ट केस, जब हमारे पास रूट्स कंप्लेक्स हों. कंप्लेक्स रूट्स के लिए क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन जीरो, देन बीटा इज लेस देन के, यानी डैम्पिंग फोर्स कम है और स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा है, डैम्पिंग कांस्टेंट छोटा है स्प्रिंग कांस्टेंट से, एंड द सिस्टम इज सेट टू बी अंडर डैम्प्ड. इस सूरत में हम कहेंगे क्या कहेंगे, सिस्टम अंडर डैम्प्ड है, वी आर रिक्वायर्ड टू री राइट द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन. अब हमें क्या करना होगा, देखिए हम कह रहे हैं कि लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर दिस इज लेस देन जीरो. अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर माइनस और साथ में माइनस लिख लूं, लिख सकता हूं ना इस तरह, ठीक हो गया. तो अब ये जो है माइनस की वजह से आयोटा आ जाएगा, यहां भी माइनस की वजह से आयोटा, तो लिहाजा हमने अब इसको आयोटा फॉर्म में लिखा है रूट्स को, और इसका मतलब है इसका आर्डर चेंज हो जाएगा, पहले लैम्डा स्क्वायर माइनस था तो अब ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर हो गया, तो लिहाजा हमारे पास ये दो रूट्स हैं. द सॉल्यूशन क्या होगा जी सूरत में, एक्स ऑफ टी ई रेज़ पर माइनस लैम्डा टी, ये रियल है दोनों, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है और ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट आपको पता है शुरू में आ जाता है ई रेज़ पर माइनस लैम्डा टी, दिस वुड बी इक्वल टू सी वन कॉज ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी प्लस सी टू साइन ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी. दिस रिप्रेजेंट्स एन ऑसिलेटरी मोशन, किस वजह से, इन साइन और कॉज की वजह से ये ऑसिलेटरी मोशन आ गई हमारे पास. बट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेरिएशन, ये पता है आपको एम्पलीट्यूड होगा ऑफ वेरिएशन, अप्रोचेस टू जीरो एज टी अप्रोचेस टू जीरो बिकॉज ऑफ द कोफिशियंट दिस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी. ये आपको याद होगा कि हमने पिछली दफा इसकी एक फॉर्म लिखी थी, ये था ए साइन ओमेगा टी प्लस, इस तरह की बात थी, तो हमने कहा था ये फेज एंगल है और ये एम्पलीट्यूड है. अब इस कोफिशियंट की मौजूदगी की वजह से ये जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है दिस विल गो टू जीरो एज टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी. देखे ना, टी अगर अप्रोच करेगा इंफिनिटी को तो क्या होगा, जिस माइनस लैम्डा टी विल बी रिटन एज ई रेज पर लैम्डा टी, तो एज टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी इट विल गो टू जीरो, डिनोमिनेटर इंफिनिटी आ जाएगा ना तो जीरो हो जाएगा. तो इसका मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखा है, ईच ऑफ द थ्री सॉल्यूशंस कंटेन द डैम्पिंग फैक्टर. इसको क्या कहेंगे, डैम्पिंग फैक्टर, क्योंकि ये बीटा असल में ना इस लैम्डा में पड़ा हुआ है, डैम्पिंग जो कांस्टेंट था इस लैम्डा में पड़ा है. आप देख सकते हैं हमने पीछे इसको अज्यूम किया था ना, ये था लैम्डा इज इक्वल टू बीटा बाई एम, तो ये डैम्पिंग कांस्टेंट, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं जनाब कि ये डैम्पिंग फैक्टर है.
lambda greater than zero, the displacements of the mass becomes negligible for large times. इसका मतलब है कि वो जो displacements हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि काफी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा वो जो डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीन पोजीशन जो उसका फासला है कि वक्त के साथ वो जाहिर है यूं यूं मूव कर रहा है और वक्त के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा कि वो डिस्प्लेसमेंट्स कम होते जाएंगे. समझ रहे हैं बात, कि जब टी इंफिनिटी को अप्रोच करे, यानी जितना टी बड़ा होता जाएगा यानी वक्त के गुजरने के साथ साथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं ऑफ द मास बिकम नेग्लिजिबल, जीरो होते जाएंगे. तो ये क्यों होंगे, देखो ना हम कह रहे हैं फिजिकली हम कह रहे हैं कि उस पर आप रेजिस्टिंग एक फोर्स है, जिसे हम रेजिस्टिंग फोर्स है एक तरह से, जिसे डैम्पिंग फोर्स कहा है हमने, उस मास पे अब वो एक्ट कर रही है. उस फोर्स की वजह से सॉल्यूशन भी बता रहा है कि उस फोर्स की वजह से जो जो वक्त गुजरेगा वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता जाएगा, हत्ता कि वो रेस्ट पे आ जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा. फिजिकली यही होता है. तो जो पहले वाली सिचुएशन थी वो आइडियल सिचुएशन थी, वो मैथमेटिकली हमने अज्यूम किया था. अब हमने देखें एक फिजिकल जो पैरामीटर है, जो एक्चुअली उस जो फिजिकल सिस्टम है उसके ऊपर जो नेचुरली कुछ चीजें एक्ट कर रही हैं, जब हमने उनको इन्वॉल्व किया या उसको उसका हिस्सा बनाया इक्वेशन का, तो अब वो फिजिकली वही चीज जो है जो फिजिकली होता है या जो हम ऑब्जर्व करते हैं, मैथमेटिकली भी वो चीज हमारे सामने आ रही है. तो यकीनन आपको ये बात अच्छी तरह समझ आई होगी कि ये डैम्पिंग फैक्टर अब क्या रोल प्ले कर रहा है, और वाकईतन जब हमने इस डैम्पिंग फैक्टर को उसके अंदर इंक्लूड किया है उस इक्वेशन को, तो ये अब मोर फिजिकल है, फिजिकल यानी फिजिकल सिचुएशन के ज्यादा करीब है ये. तो नेक्स्ट जनाब, अब हमने जैसे पहले भी लिखा था अल्टरनेटिव फॉर्म लिखी थी सोल्यूशन की, तो अब भी हम अल्टरनेटिव फॉर्म, चूंकि हमारे पास जो तीसरा केस था उसमें काज और साइन इन्वॉल्व थे, तो इस वजह से हम जो है उसी केस को कंसीडर कर रहे हैं, उसको उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म लिख रहे हैं. तो हम कह रहे हैं जी कि जब हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है लेस देन जीरो है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फ्री डैम्प्ड मोशन, ये इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन तब ये होता है. हम आपको पता है कि अज्यूम करते हैं C1 इज इक्वल टू A साइन ऑफ अल्फा. ये अजम्पशन, ये पिछले लेक्चर में शायद मैं कुछ डिटेल नहीं बता सका आपको इस हवाले से, मुझे ऐसे लगता है. तो इस दफा मैं ये आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी कर दूं. देखें जहां काज होगा ना उसके साथ जो कांस्टेंट है उसको आपने अज्यूम करना है, साथ ए लिखेंगे और साइन ऑफ फाई, और साइन के साथ जो कांस्टेंट है होगा जैसे यहां C2 है उसको आप लिखेंगे ए कॉस ऑफ फाई. और जब यहां ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फिर इन दोनों का हम स्क्वायर सम करते हैं तो हमें यहां से ए की वैल्यू मिलती है. थोड़ा सा तस्करा तो गालबन किया था, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और ये आ जाता है हमारे पास, नहीं अभी अंडर रूट नहीं होगा सॉरी, इसको मैं इज इक्वल टू सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर. अच्छा यहां से ए स्क्वायर कॉमन आके तो ए आ जाएगा हमारे पास, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर कॉमन होगा तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल. तो सो दिस वुड बी ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट लें तो ए स्क्वायर हमारे पास ये असल में सॉरी ए हमारे पास ये आता है. ठीक होगी बात. अब जो मसल में बात इस दौरान आपको बताना चाहिए, ये जो फॉर्म लिखते हैं टेन फाई, आपको पता है दोनों को डिवाइड करें ना, इन दोनों को देखिए ए साइन ऑफ फाई ओवर ए कॉस ऑफ फाई. साइन ऑफ फाई क्या था, सी वन, और ये ए कॉस ऑफ फाई सी टू था, ए से कैंसिल, तो दिस इज टेन फाई इज इक्वल टू, ये यहां से इस तरह आ जाता है. ठीक है जी, ओके. एक्चुअली जो ये लिखी है ना फॉर्म से, मैं इसका थोड़ा सा तस्करा करना चाहता हूं. देखिए इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया C1 की जगह A cos थीटा,
कॉस फाइव और सी टू की जगह इस साइन फाइव पुट कर दिया, यहां से ए बार कॉमन आ गया, ठीक हो गया। अब इसमें एक्चुअली ना साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगता है, ये आप समझिए अल्फा है हमारे पास और ये हमारे पास बीटा है और ये अल्फा है फिर और ये बीटा है। अब आपको याद होगा कि साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये एक्चुअली फार्मूला लगता है और ये हमारे पास फॉर्म आती है फिर। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म है कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए ई रेस पावर माइनस लैम्डा टी साइन ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस फाई। अब हम जानते हैं द कोफिशियंट ए ई रेस पर माइनस लैम्डा इज कॉल्ड द डैम्प्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, दूसरा द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ द वाइब्रेशन इज कॉल्ड क्वाजी पीरियड एंड इज गिवन बाय द नंबर दिस। आपको याद होगा हमने जब पीरियड की बात की थी तो वहां ओमेगा था जो टी का कोफिशियंट था 2 पाई ओवर ओमेगा जो पिछली हमने क्वेश्चन, यहां चूंकि वो पीरियडिक मोशन नहीं है उस तरह से तो इसलिए ये क्वाजी पीरियड का कॉन्सेप्ट यहां आता है। अब इसी का रेसिप्रोकल ले लें तो वो क्या बन जाता है, क्वाजी फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको। तो वहां पीरियड और फ्रीक्वेंसी का वो जो है टर्मिनोलॉजी यूज होती है, यहां क्या यूज होती है, दिस इज पीरियड एक्चुअली इन द प्रीवियस केस, कौन सा, जिसमें हमने डैम्पिंग फोर्स नहीं कंसीडर की जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। अच्छा, द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन एक्स ऑफ टी ए ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा टी साइन ऑफ दिस क्रॉसेस पॉजिटिव टी एक्सिस, दैट इज वो कहां पॉजिटिव टी एक्सिस को करेगा क्रॉस, जहां एक्स जीरो होगा। तो एक्स कहां जीरो है, एट दैट टाइम आर गिवन बाई, इसको जीरो कर दीजिए, तो जब ये हम जीरो करेंगे ना तो देखिए क्या होगा, दिस वुड बी साइन ऑफ रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। पिछली दफा भी इस तरह की बात हुई है जो प्रीवियस लेक्चर में हम जिक्र कर चुके हैं, तो साइन इनवर्स आ जाएगा इधर, इधर साइन इनवर्स जीरो कहां होता है जी, वो होता है एन पाई पे वेयर एन इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब है अगर हमने वो टाइम निकालना हो जहां पे वो क्रॉस करेगा किसको, टी एक्सिस को, कौन सी वो जो भी जो आपका सॉल्यूशन है का ग्राफ है वो टी एक्सिस को जहां क्रॉस करे, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स को जीरो रख दें, वहां से आप जो है टी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हमें ये टी की वैल्यू मिल जाएगी, ये देखें यहां से ये मिल सकती है। अब हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जी, जिसमें अब डैम्पिंग फोर्स भी इंक्लूडेड है। ये पहला प्रॉब्लम है इंटरप्रेट एंड सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इस तरह का प्रॉब्लम किया कि जिसमें हमें इंटरप्रेट भी करना होता है कि जिस गिवन प्रॉब्लम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी। तो दूसरा उसने कहा कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन एंड चेक वेदर द ग्राफ क्रॉसेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन और नॉट, पहले इसको इंटरप्रेट करना है कि ये किस तरह के फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है एग्जांपल, दूसरा फिर हमने ये भी बताना है कि उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है और फिर चेक करना है कि वो ग्राफ इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस कर रहा है कि नहीं। ओके, वी सी दैट यहां हमारे पास अगर इसको कंपेयर करें ना इस इन दोनों को, तो 2 लैम्डा है 5 के इक्वल और ओमेगा स्क्वायर 4 के इक्वल है, लिहाजा हमारे पास क्या आया जी, लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25/4 माइनस ओमेगा स्क्वायर कहते हैं 16 तो 25 ये 4 है, ओमेगा स्क्वायर इज 4 तो 16/4 दिस इज इक्वल टू 9
by 4, this is positive. तो इसका मतलब है इस सूरत में lambda square minus omega square positive है. ये पहले वाला केस हमारा है कि इस सूरत में roots जो होंगे वो real और distinct होंगे. Okay, therefore the problem represents the overdamped motion of a mass on a spring. पहली बात ये होगी. इससे हमें पता चल रहा है कि overdamped होता है जब roots जो हैं ये positive हो या roots real या distinct हो. Inspection of the boundary condition x0 is equal to 1 and x dash 0 is equal to 1. ये देखिए हमें ना इस प्रॉब्लम में ये दो साथ बाउंड्री इनिशियल कंडीशंस भी दी गई हैं. तो इन इनिशियल कंडीशंस को हम जब इस इधर लव्स इनिशियल लगाना चाहिए असूलन, तो इनिशियल भी बाउंड्री कंडीशंस भी चलता है लेकिन इनिशियल कंडीशंस क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे है ना. तो इनसे पता क्या चलता है कि रिवील्स दैट द मैस स्टार्ट 1 यूनिट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन. चूंकि ये देखें 1 पॉजिटिव है इसका मतलब है ये बिलो द मीन पोजीशन है 1 यूनिट. और ये वेलोसिटी जो है एक्स डैश किसको रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को. तो फिर क्या हुआ बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद अ डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ 1 फीट पर सेकंड. इसका मतलब है ये ऊपर बेसिकली नीचे को आ रही है वेलोसिटी पॉजिटिव. अगर नेगेटिव साइन होता तो ये ऊपर को वेलोसिटी होती. हम फिर कहते हैं ये ऊपर को जा रही है बॉडी. और अब क्या होगा चूंकि पॉजिटिव साइन है तो नीचे को डाउनवर्ड आ रही है. तो इसका मतलब ओवरऑल ये एक ओवरडैम्प्ड सिस्टम है जो कि स्टार्ट करता है 1 यूनिट यानी उसको मैस को नीचे खींचा हुआ है 1 यूनिट नीचे है मीन पोजीशन से. इसको छोड़ा है और रिलीज जब किया है तो उस 1 यूनिट यानी इस स्पीड से 1 मीटर फीट पर सेकंड की स्पीड से ये अब ऊपर को जा रहा है. पहले नीचे ये चूंकि पॉजिटिव है ना तो नीचे को आ रही इस स्पीड से ये नीचे को आई है. ओके इंटरप्रिटेशन मुकम्मल हो गई. अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पास ये आ गए जी डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें हम आपको पता है इस तरह का सोल्यूशन अज्यूम करते हैं चूंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. तो x इज इक्वल टू e रेज पर mt टाइप सोल्यूशन अज्यूम करते हैं. जब ये सोल्यूशन आप इसमें पुट करते हैं तो यू विल गेट दीज टू रूट्स. तो एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए m इज इक्वल टू -1 एंड m इज इक्वल टू -4. लिहाजा सोल्यूशन हमारा ये होगा. देखिए x ऑफ t इज इक्वल टू c1 e रेज पर -t c2 e रेज पर -4t. ये सोल्यूशन यकीनन आपको लिखना आना चाहिए. भाई पिछले लेक्चर में भी बहुत से सोल्यूशन हमने इस तरह लिखे और इससे पहले भी इस पे खूब हम काम कर चुके हैं. साथ ही इसका डेरिवेटिव भी ले लिया चूंकि हमें हमारी जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो एक x पे है और एक डेरिवेटिव पे है. तो जब ये इनिशियल कंडीशंस अप्लाई की और हमें c1 c2 की ये वैल्यूज मिल गई. c1 क्या आ गया जी 5/3 और c2 आ गया -2/3. Therefore, the solution of the initial value problem is this. X of t is equal to 5/3 e raised to minus t minus 2/3 e raised to minus. अब हमने extreme positions find करनी है कि यानी वो कित time actually find करना होता है. ठीक है तो उसके लिए क्या करें जी पहले x t ये आ गया इसका derivative ले लीजिए. Second derivative test आपने पढ़ा हुआ है ना मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए बिल्कुल वही टेस्ट हम यहां लगाने जा रहे हैं. ठीक है तो हमारे पास x हमने इस x की x यानी वो कितना एक्सट्रीम डिस्टेंस पे जाता है ना वो फाइंड करना है बेसिकली. ठीक है तो उसके लिए ये हमारा फंक्शन है x ऑफ t. इसका पहला डेरिवेटिव लिया फिर इस x ऑफ t को यानी x डैश t हो जाएगा ना एक ही बात है ये लिखें या ये लिखें इसको जीरो रख लेते हैं. पता है ना डेरिवेटिव फाइंड कीजिए देन पुट इट. तो दैट जब आप उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और उसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू होती है वो क्या होती है क्रिटिकल नंबर्स होते हैं. तो जब हमने एक्स डैश टी को ये पुट किया तो हमारे पास जीरो के इक्वल पुट किया ना तो ये आ गया. और अब इसको हम यू लिख सकते हैं ई रेस पर 3t. असल में किया क्या है दोनों साइड्स को वो करके ना दोनों साइड्स का लॉग लिया है. ठीक है लॉग लेने के बाद जो है
उस पे जो ये प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है जी, ई रेस पर 3t, और इसके बाद जनाब हमारे पास टी इज इक्वल टू 1/3 लॉग ऑफ 8/5, एंड दिस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0.157, ठीक है जी। ओके, अब सेकंड डेरिवेटिव, यानी ये क्रिटिकल नंबर आया है जी हमारे पास, टी इज इक्वल टू 0.157, ये हमारे पास क्या आ गया, क्रिटिकल नंबर। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव में अब हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं टी की। तो जब हमने ये वैल्यू पुट की ना टी की, तो हमें क्या मिला, नेगेटिव -4.267, विच इज नेगेटिव वैल्यू। तो आपको पता है जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है टी की इस वैल्यू के लिए एक्स टी की वैल्यू मैक्सिमम है। फिर हमने ओरिजिनल जो फंक्शन है, ये वाला जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है या ये सॉल्यूशन है, इसमें टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये इस टी की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसका मतलब ये हुआ, हेंस द मैस अटेन्स एन एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1. ये कितनी वैल्यू है, ये 1.069, तो 1.069 फीट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। बिलो क्यों है, पॉजिटिव साइन आया, अगर ये नेगेटिव होती वैल्यू तो ये ऊपर को हम कहते थे अबव द मीन पोजीशन है। तो इस वक्त क्या कहेंगे, ये यानी 1.069 कितना यूनिट्स कहेंगे नीचे, या फिट जो है नीचे होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इससे इससे आगे नहीं जाएगा, ये यानी ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, अब हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करें। एन 8 pound वेट स्ट्रेचेस अ स्प्रिंग 2 feet, अज्यूमिंग दैट अ डैम्पिंग फोर्स न्यूमेरिकली इक्वल टू 2 times द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्ट्स ऑन द सिस्टम। इसका मतलब है कि डैम्पिंग फोर्स क्या है, 2 times है, ठीक हो गया, ऑफ द वेलोसिटी। डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द मोशन इफ द वेट इज रिलीज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन विद एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 3 feet per second। क्या कहते हैं, आप इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमिन करें या बनाएं कि अगर उस जो जो बॉडी है हमारी, उसको हमने क्या किया है जी, रिलीज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 3 feet per, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने उसको छोड़ा है और वो अपवर्ड वेलोसिटी इसके साथ मूव करना शुरू, आपने इसकी इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है। पहली बात तो ये कि जी वेट उसका कितना है, 8 pounds, स्ट्रेच उसमें कितना है, 2 feet। हुक्स लॉ कहता है के वेट फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, यहां फोर्स क्या है, वेट है, लिहाजा ये 8 आ गया, 2 हमारे पास उसका एस आ गया और के स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहां से हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई विच इज 4 pound per feet। सिंस डैम्पिंग फोर्स क्या थी, चूंकि उसने कहा ना कि ट्वाइस है, तो बीटा की जगह अब 2 है, 2dx/dt, तो बीटा इज इक्वल टू 2। मैस हमारे पास क्या होता है जी, वेट ओवर जी, तो एम इज इक्वल टू 8/32, चूंकि फीट पर सेकंड के यूनिट में जी की वैल्यू 32 feet per second होती है, पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो सो इस सूरत में मैस के जो यूनिट्स होते हैं स्लग्स होते हैं, लिहाजा मैस इज इक्वल टू 1/4 slugs। ये कुछ असल में चीजें हमें रिक्वायर थी, चूंकि एम भी यूज होता है, के भी यूज होता है ना इक्वेशन में, तो हमने जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उससे पहले ये चीजें फाइंड आउट कर ली। हमें के भी मिल गया, डैम्पिंग फोर्स बीटा, बीटा भी जो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो भी मिल गया, और हमें एम भी मिल गया, के एम और बीटा, यही चीजें चाहिए होती है ना। तो दस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द फ्री डैम्प्ड मोशन इज गिवन बाय एम डी 2x/dt square is -kx - beta dx/dt। तो अब k की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू 2, और ये m की वैल्यू 1/4।
सब्स्टिट्यूट की और ये देखिए फाइनल दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए जो अभी हमें प्रॉब्लम बताया गया था उसके लिए. ओके सिंस द मैस इज रिलीज्ड फ्रॉम अब हम ना इनिशियल कंडीशंस बनाने जा रहे हैं वो जो बताया ना इनिशियली कहां से रिलीज किया और क्या किया उसकी वजह से अब क्या हो रहा होने जा रहा है इनिशियल कंडीशंस बना रहे हैं. सिंस द मैस इज रिलीज्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद एन अपवर्ड वेलोसिटी 3 फीट पर सेकंड. तो अपवर्ड हो तो वेलोसिटी नेगेटिव डाउनवर्ड हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव. पहली बात तो यह कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से है तो लिहाजा डिस्प्लेसमेंट जीरो. जब टी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने उसको रिलीज किया है. दूसरा उस वक्त जब टी जीरो है इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है -3 अपवर्ड है तो माइनस आएगा साथ. तो उम्मीद है आपको ये इनिशियल कंडीशन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये समझ आ गई होगी बात. ये बहुत एक मैं बात आपको बताऊं इसमें मेन इनिशियल कंडीशंस बनाना और इक्वेशन बनाना ही असल मामला और उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना. देखें इसका सोल्यूशन आसान है निस्बतन. वजह उसकी है कि इस तरह के प्रॉब्लम देखें आपने आपको करवा दिए गए हैं किसमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के टॉपिक में हमने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होमोजीनियस प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. सही है ना. अब बेसिक थीम भी यही होता है. याद रखिए हम बेसिकली आपको ये टूल्स फ्राहम कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स कि आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स या इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना आ जाए. बेसिकली थीम ये होता है कि आप तो फिजिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं ना तो उस वक्त ये जो स्टैंडर्ड टूल्स हैं उनकी उनकी मदद से उन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर. देखिए हमने वो टूल सीखा पहले कौन सा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. अब वो टूल देखें बाकायदा फिजिकल प्रॉब्लम्स में अपीयर हुआ है यानी या जो हमारी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स थी जो जब हमने उनको मॉडल किया तो हमारे सामने क्या इक्वेशन आई वही उसी तरह की होमोजीनियस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स इक्वेशन हमारे सामने आई. तो हम अब देखें वो टूल यूज करते हुए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें विच आर प्योरली फिजिकल प्रॉब्लम्स और जिनके जिनकी बाकायदा पीछे फिजिक्स है या पीछे कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं. तो यही जो थीम है फिर आप अपनी जो फील्ड में काम करते हैं रिसर्च वर्क करते हैं या आगे फर्दर काम करते हैं जो फिजिकल सिचुएशंस हों तो वहां भी आप इसी इन्हीं टूल्स की मदद से फिर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो देखते हैं जी आगे हम अब हमने इक्वेशन बना ली इनिशियल कंडीशन बना ली तो इसका मतलब है हमारा असल में प्रॉब्लम क्या बना ये जी ये हमारी इक्वेशन है दीज आर द इनिशियल कंडीशंस. फिर हम होमोजीनियस इक्वेशन है इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन गई इसके रूट्स ये आ गए इजी है आप देख सकते हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा जी C1e^-4t + C2t e^-4t. इनिशियल कंडीशंस अप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास ये जो है जी इनिशियल कंडीशन होगा. बाउंड्री का लफ्ज यहां सही नहीं है ठीक है जी ये क्या होगा इनिशियल कंडीशन. तो जब अप्लाई कर ली तो हमें जनाब यहां से C1 की वैल्यू 0 मिल गई और C2 की वैल्यू -3 मिल गई. तो C1 तो गायब हो गया लिहाजा हमारा सोल्यूशन ये है -3t e^-4t एक्सट्रीम वैल्यूज उसी तरह जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने किया कि हमारे पास ये है x(t) = -3t e^-4t और इसका पहले डेरिवेटिव ले लीजिए डेरिवेटिव लें और उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट करें जीरो के इक्वल तो आपको यहां से t की वैल्यू इजीली 1/4 मिल गई. इसके बाद हम क्या करते हैं जी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट इज क्योंकि अब इसको सेकंड डेरिवेटिव लेंगे ना तो भी हम क्या करेंगे देखेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू ही आती है लिहाजा x = 1/4 रख के ना तो ओरिजिनल इसमें तो हमें ये मिला जी. अब इसका मतलब दस द वेट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 0.76 फीट
अबव द इक्विलिब्रियम, देखे ना मैंने पिछली पिछली प्रॉब्लम में आपको बताया था कि अगर ये नेगेटिव साइन होगा तो हम कहेंगे अबव द मीन पोजिशन है, चूंकि इस दफा क्या हुआ है नेगेटिव साइन आया है साथ, तो इसका मतलब है ये एक्सट्रीम पोजिशन, यानी ये मीन पोजिशन है अगर सपोज, तो ये यहां अबव दी, और जो अगर पॉजिटिव हो तो नीचे मीन पोजिशन से है, तो इक्विलिब्रियम से अबव इक्विलिब्रियम पोजिशन से ऊपर ये होगा एक्सट्रीम डिस्टेंस इसका इतना है, ज्यादा से ज्यादा इतना ऊपर जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता ये। ओके जनाब, अब हम ये तीसरी राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन द अल्टरनेटिव फॉर्म एक्स इज इक्वल टू दिस, इसको मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो ये होमोजीनियस इक्वेशन है ये इसकी इनिशियल कंडीशंस हैं, तो मैं इसको जो है होमोजीनियस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट लिखता हूं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस टेन दिस इज इक्वल टू जीरो। तो क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, लिहाजा हम देखते हैं क्या हम इस पे क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस टू बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी ओवर टू ए, टू ए की जगह क्या है जी वन है। ओके तो ये क्या बन जाएगा, माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर माइनस फोर्टी माइनस थर्टी सिक्स ओवर टू। ओके इसके बाद हम क्या करते हैं जी, एम इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो ये होगा आयोटा 6 ओवर 2। सो दिस इज इंप्लाइज एम वन क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2 प्लस आयोटा 6 ओवर 2, और एम टू क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस आयोटा 6 ओवर 2। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एम वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटस थ्री, और एम टू वुड बी इक्वल टू माइनस वन देन प्लस माइनस आयोटा थ्री, चले थ्री आयोटा लिख दें, आयोटा थ्री की बात है उससे फर्क है, टू कॉमन लेके ना उससे डिवाइड कर दिया है। तो देयर फॉर सोल्यूशन क्या होगा जी, देयर फॉर द जनरल सोल्यूशन इज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस वन है ना रियल पार्ट है, तो इसका मतलब ई रेस पर माइनस टी आ गया, देन सी वन कॉज ऑफ हमारे पास थ्री था जी उसमें, हाँ जी थ्री था किसमें इमेजिनरी पार्ट में, तो थ्री टी प्लस सी टू साइन थ्री टी। ओके इसका मतलब ये हुआ, अब हम क्या करते हैं साथ ही इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं, क्यों ले रहा हूं, चूंकि मुझे इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करनी है टू डिटरमिन सी वन एंड सी टू, ठीक हो गया। तो सी क्या है क्या जी इसका डेरिवेटिव, माइनस ई रेस पर माइनस, मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको फिलहाल हम इसी तरह लिखते हैं सी टू साइन थ्री टी, और इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्या आ जाएगा जी प्लस ई रेस पर माइनस टी, अब इसका डेरिवेटिव है जी थ्री सी वन बल्कि राधा माइनस आ जाएगा साथ थ्री टी प्लस थ्री सी टू कॉस थ्री टी, ठीक हो गया। अब मैं इस पे अप्लाई करने लगा हूं कंडीशंस, इसको इसी तरह रहने दें कोई जरूरत नहीं है फर्दर फिलहाल सिंप्लीफाई। तो पहली कंडीशन हम देखते हैं क्या है हमारे पास, वो है जी एक्स जीरो इज इक्वल टू माइनस टू, तो जब टी की वैल्यू जीरो है एक्स की वैल्यू क्या है माइनस टू इंप्लाइज, इस वाली में पुट करेंगे जी तो क्या आएगा, दिस वुड दिस इज माइनस टू ई रेस्ट पर जीरो, दिस इज सी का वन का जीरो हाँ जी, और प्लस सी टू साइन जीरो, this goes to zero and this implies c1 is equal to minus 2।
इसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन है जी एक्स डैश, एक्स डैश क्या है, एक्स डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसको अप्लाई कीजिए तो क्या आएगा जी, एक्स डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज हमारे पास आ जाएगा यहां ये बन जाएगा जी, इसमें मैं पुट कर रहा हूं जी, ये जीरो लेफ्ट साइड पे एक्स डैश, ये माइनस आ गया जी, सी वन आ गया हमारे पास, पहले ही आया हो मैं लिख लेता हूं उसकी भी वैल्यू, कॉस जीरो प्लस सी टू साइन जीरो, ओके, और फिर प्लस ये वन हो गया ई रेस्ट पर, यहां जब पुट करूंगा ना ई रेस्ट पर जीरो वन हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस थ्री सी वन जीरो, चूंकि साइन जीरो जीरो होगा, और प्लस सी थ्री सी टू कॉस जीरो वन होता है, लाजा मैं नहीं लिख रहा इस दफा, ओके, यहां से आ गया जी, ये मेरे पास बना जना, मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं माइनस टू, बल्कि इधर जीरो चले कर लें, और ये प्लस टू हो जाएगा, और ये तो जीरो हो चुका, चूंकि ये जीरो दिस गोज टू जीरो, यहां क्या है जी, ये भी जीरो हो चुका, और ये प्लस थ्री सी टू हो चुका है जी, और दिस इंप्लाइज टू सी टू इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, तो इसका मतलब मेरा सोल्यूशन क्या हुआ जी, फाइनल यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये आया, ई रेस टू माइनस टी, सी वन की वैल्यू क्या है जी माइनस टू, तो क्या आया जी माइनस टू कॉस थ्री टी, और प्लस सी टू क्या है माइनस टू बाई थ्री, बिल्कुल ठीक, और ये है जी साइन थ्री टी, ये सोल्यूशन आ गया जी ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब हमने अल्टरनेटिव फॉर्म लिखनी होती है तो क्या करते हैं जी, उसके लिए ये जो कांस्टेंट है ये कॉज है ना इसके साथ, तो इसको क्या पुट करेंगे जी, बिल्कुल साइन ए साइन फाइव, और इसको ए कॉस फाइव, तो ये मैं सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं जी, पुट माइनस टू इज इक्वल टू ए साइन फाइव, और माइनस टू की बजाय माइनस टू बाई थ्री ए कॉस फाइव, तो ए हमारे पास क्या आ गया सी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर होता है ना, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, तो सी वन स्क्वायर क्या है माइनस टू, यानी सी वन की जगह हमारे पास टू माइनस टू था ना, और ये माइनस टू बाई थ्री होल स्क्वायर, सो दिस गिव्स यू फोर प्लस फोर बाई नाइन, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में बाहर ये आ जाएगा नाइन फोर जार थर्टी सिक्स प्लस फोर्टी, ओके, तो ए हमारे पास आ गया जनाब कितना आया जी, इसको मैं लिख सकता हूं टू रूट टेन डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है जी, ए की जगह ये आ गया, और मेरे पास फाई क्या आएगा, टेन फाई होता है हाँ जी सी माइनस टू, साइन वाली ऊपर हो जाएगी ना टर्म, और ये माइनस टू बाई थ्री, दिस इज पॉजिटिव थ्री, ऊपर चला जाएगा, तो फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री, तो यहां इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास जो अल्टरनेटिव फॉर्म आई वो क्या होगी, वो होती है जी मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, आप पहले भी चुके हम कर चुके, तो मैंने आपके लिए थोड़ा काम करने की कोशिश की, ताकि ये हमारा सोल्यूशन जनाब बना e रेस्ट सोल्यूशन हमारा x ऑफ t e रेस्ट पार माइनस t, एंड a की जगह क्या आ गया हमारे पास, दिस इज रूट टू रूट टेन बाई थ्री, और साइन ऑफ ओमेगा t होता है तो थ्री टी है, प्लस फाइव होता है तो टेन इनवर्स, इसका एंगल आप देख लीजिएगा क्या होता है, और ये अल्टरनेटिव फॉर्म आपकी, ठीक है जी। अब यहां इसकी जो है ना टेन इनवर्स थ्री की वैल्यू आप रेडियन कैलकुलेटर से रेडियन मेयर में आएगी, ये रेडियन मेयर पर रख के ना, तो ये वन पॉइंट समथिंग होगा इसका आंसर, तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। हाँ अलबत्ता यहां हम एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं,
वो है जनाब, एक चीज यहां और है कि देखिए ये पॉजिटिव है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल, असल में ये भी नेगेटिव, देखें एक्स भी नेगेटिव था वाई भी नेगेटिव, इसका मतलब है एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो एंगल जो आया है ना वो क्या बनेगा, असल में ये होगा, दैट वुड बी एक्चुअली पाई प्लस फाई, तो हमारा जो ये फाई होगा ना दैट वुड बी एक्चुअली पाई प्लस टेन इनवर्स, एक तो बात ये इसमें लिखनी है आपने, ठीक होगी जी बात। दूसरा हम ये करेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन जो फाइनल फॉर्म में आया वो ये आ गया, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2/3 √10 ई रेस पर माइनस टी, दिस इज साइन 3t प्लस चलिए फाई कर देते हैं जी। अच्छा ये वैल्यू होगी आपकी, मैं इसको लिख देता हूं आपको 4.391, इसको ना रेडियन में ये फिर पाई की वैल्यू ऐड करेंगे ना कैलकुलेटर से, तो यू विल गेट दिस, सही हो गया जी। अच्छा अब जनाब यहां एक वो क्वाजी हमने पढ़ा था पीरियड और फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास है जी 3, ठीक है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास आ गया जी क्वाजी पीरियड क्या हुआ, ये है जनाब हमारे पास 2π/√λ² दिस इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है जी। और इसी तरह यहां से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, तो ये आपकी अल्टरनेटिव फॉर्म थी, और इसमें किस तरह से हम इसको लिखते हैं ये मैंने आपके लिए किया। ये जी एक्सरसाइज है विच यू हैव टू प्रैक्टिस, इनको प्रैक्टिस कीजिए और इसके इसको यहां से नोट कीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा, होपफुली जो प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई है या जो प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं उनकी मदद से आपको इनको बआसानी कर सकेंगे। ये दो प्रॉब्लम और हैं, इनको भी ट्राई कीजिए, ठीक है जी। और अब हम एक चीज और यहां करना चाहूंगा मैं कि फोर्स्ड मोशन विद डैम्पिंग, ये मैं इक्वेशन इस लेक्चर में ड्राइव कर रहा हूं, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इस पे हम फर्दर बात करेंगे, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये मुख्तसर सी बात है, मैं फटाफट इसको करूं क्योंकि एक सेटअप बना हुआ है तो आपको इसमें बात आसानी से समझ आएगी। अच्छा अब जो बॉडी मूव कर रही थी हमने उस पर पहले क्या कहा है, यानी जो मैस स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ये जो सराउंडिंग्स की वजह से थी, डंपिंग फोर्स क्या थी, सराउंडिंग की वजह से थी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जा रही थी उस पर। अब अगर हम कहें कि अ वाइब्रेशनल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए बॉडी ऑफ मैस एम अटैच टू अ स्प्रिंग, द मोशन ऑफ द बॉडी इज बीइंग ड्रिवन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑफ टी, दैट इज द फोर्स्ड मोशन। अब अगर वो जो मोशन है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू चलाई जा रही है, उस मूव किया जा रहा है, किसी एक्सटर्नल फोर्स को लगा के मूव किया जा रहा है इस तरह से, तो उसको हम कहेंगे फोर्स्ड मोशन। अब इसका मतलब है उस बॉडी पे कौन कौन सी जो है फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो उसका वेट है ही है, फिर उसकी रिस्टोरिंग फोर्स है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके, डैम्पिंग फोर्स भी हमें इंक्लूड कर रहे हैं, और अब एक और इजाफी फोर्स आ गई है, वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो भी उस बॉडी पे एक्ट कर रही है। अब हम जो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन नहीं जो बनती, अब यहां देखिएगा कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी, इसका मतलब है टोटल फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रही है अब ये है वेट, रिस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड देन दी एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दीजिए, तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हम इसको यूं लिख सकते हैं एम जी माइनस के एक्स, के एस जो है ये जीरो होता है, इसको जनाब एम से डिवाइड कीजिए और हमारे पास इक्वेशन ये आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह हमने इसको 2 लैम्डा कह दिया, बीटा बाई एम को और के बाई एम को हमने ओमेगा स्क्वायर कह दिया,
और राइट साइड पे एफ ऑफ टी जो था डिवाइडेड बाय एम उसको हमने एफ ऑफ टी कैपिटल कह दिया. तो ये कहने के बाद दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फोर्स्ड मोशन. द लास्ट इक्वेशन इज द नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग द फोर्स्ड मोशन विद डैम्पिंग, यानी इसमें डैम्पिंग भी शामिल है और एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑफ टी भी शामिल है. To solve this equation, we use either method of undetermined coefficient से भी solve कर सकते हैं और variation of parameter. क्योंकि non-homogeneous है ना, तो अब इसके लिए ये काम हम इस तरह से कर सकते हैं. Interpret and solve the initial value problem. तो आज के lecture की summary है जी. Applications of higher order differential equations continued. रहा हमने आज डैम्प्ड मोशन क्या होती है, डैम्प्ड फोर्स क्या होती है, डैम्पिंग फोर्स क्या होती है, डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन की, फिर हमने सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन और उस फिर की अल्टरनेटिव फॉर्म की, ठीक है जी, ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम्स, फिर हमने फोर्स डैम्प्ड जो है मोशन की और फिर डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन की हमने, और इसके बाद हम इस पे जो प्रॉब्लम्स करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. इसके साथ ही आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.